जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शंबिका जी ऑल इन वन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगेन शेयर कर रही हूँ आपका फेवरेट मीशो हॉल। स्टार्टिंग बता दूं, ये जो हॉल है वो मिक्स काइंड ऑफ होने वाला है। और ड्रेसेस की मैं बात करूं तो कुछ ड्रेसेस हैं जो मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई हैं और कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं मीन जिनकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है। बिकॉज हमेशा हम लोग ये बोलते हैं कि यू नो, रिव्यू देख के बाय करो और रेटिंग देख के बाय करो। बट होता क्या है, समटाइम ऐसा हो जाता है कि रिव्यूज भी अच्छे होते हैं, रेटिंग भी अच्छी होती है, बट ड्रेस हमें अच्छी रिसीव नहीं होती है। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। और आज की वीडियो में जो कलेक्शन आप देखने वाले हैं ना, ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, बट कुछ ड्रेसेस ऐसी हैं जो मतलब टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी जानते हैं, वीडियो की स्टार्टिंग करती हूँ मैं हमेशा ही बहुत अच्छी वाली ड्रेस के साथ में। पहले मैंने सोचा चलो बेकार वाले के साथ में करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये वाली ड्रेस आपको नहीं लेनी है। बट स्टार्टिंग अच्छे से ही करनी चाहिए, तो हम अच्छे से ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको दिखाने वाली मैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल गाउन, जो कि आपको दुपट्टा मिलने वाली है। वर्क इसका बहुत अच्छा है, फैब्रिक इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। और स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ, हाईली रिकमेंडेड है, मतलब आंख बंद करके आप इसको ले सकते हैं। बिकॉज बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क मिल जाता है, बहुत ही अच्छा सा फैब्रिक आपको दे रहे हैं। और एक चीज क्लियर कर दूं कि ये सारे प्रोडक्ट मीशो से मैंने बाय किए हैं। मीशो पे कोड चलते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग नए होते हैं, उनको नहीं पता होता है, बोलते हैं दी लिंक दे दो। तो ठीक है, मीशो पे कोड चलते हैं और सारे कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे वीडियो के टाइटल पर। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, मतलब जो भी टाइटल लिखा हुआ है बस क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपको सारा कलेक्शन मिल जाएगा। एंड बात करें मेरी वेयरिंग ड्रेस के बारे में, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। पर्सनली मुझे इस तरह की ड्रेसेस बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज इसकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, फैब्रिक 100% कॉटन है। टाइमलेस का लगा दूंगी मैं, तो इस वाले वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बिकॉज उस वाले हॉल में भी ना मैंने बहुत अच्छा कलेक्शन आपका शेयर किया है। आप देख सकते हैं ये जो ड्रेस है, इस तरह से आप देखेंगे इसके नेक लाइन पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्क मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं मिरर वर्क है, एंड यहाँ पर आपको स्टोन मिल जाते हैं, मतलब बहुत ही डिजाइनर जो होता है ना, उस तरह का आपको नेक मिल जाता है। आप देख सकते हैं, पास से दिखा दूं कितना फाइन वर्क आपको दे रहे हैं। एंड इस तरह से आप देखेंगे 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, एंड स्लीव्स पे यहाँ पर आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सा अगेन ही फ्रिल वर्क दे रहे हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना सुंदर है। कलर जैसा कैमरे पे दिख रहा है, एक्चुअल में भी आपको ऐसे ही मिलने वाला है। समटाइम होता है कि कलर चेंज आता है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका पैटर्न आपको अनारकली पैटर्न मिल जाता है, इस तरह से लाइक जो कलियां कलियां होती है ना। सी, लेंथ बहुत अच्छी है, हाइट मेरी 5/5 है, साइज मेरा स्मॉल है, तो मैंने इसमें स्मॉल ही बाय किया है। और स्मॉल साइज मुझे हल्का सा लूज रहता है, तो बहुत थोड़ा सा लूज था, हल्का सा ऑल्टर कराना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल कुर्ती पे आपको इसी तरह से सेल्फ वीविंग वर्क मिल जाता है, जो कि बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं ये फॉइल प्रिंट नहीं है, कभी आप समझे फॉइल प्रिंट इस तरह का वर्क है। और यहाँ पर आपको कैनवास मिल जाता है, फ्लेयर इसका बहुत अच्छा है। इसके अंदर आपको ये गुड क्वालिटी की सॉफ्ट फैब्रिक की लाइनिंग मिल जाती है। ठीक से आप देख सकते हैं इसका फ्लेयर कितना ज्यादा है, और मैंने इसको 3 इंच की हील पे कैरी किया, हाइट मेरी 5/5 है, तो आपको आइडिया लगेगा कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपको कितना आने वाला है। आप देख सकते हैं कि इसके साथ में दुपट्टा आपको दे रहे हैं, बट मुझे इसका दुपट्टा अच्छा नहीं लगा। क्वालिटी अच्छी है, बट मुझे लग रहा है कि मिक्स एंड मैच कुछ अच्छे से नहीं किया। आप देख सकते हैं कि दुपट्टा जो है वो ब्राउन से कलर में आपको मिल रहा है। दुपट्टे के चारों साइड में आपको इस तरह से लेस की डिटेलिंग मिल जाती है, पूरे ही दुपट्टे पे आपको इस तरह से एम्ब्रॉयडरी दे रहे हैं। एंड इसके फैब्रिक की बात करूं तो गुड क्वालिटी का जॉर्जेट फैब्रिक है, लेंथ एंड विड्थ काफी अच्छी है, तो आप चाहे तो इसके साथ में इसको भी स्टाइल कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने किया है, मैंने इसके साथ में ये दो ग्रीन कलर के दुपट्टे स्टाइल किए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला दुपट्टा ज्यादा अच्छा लग रहा था इसके साथ में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा दुपट्टा अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर की ज्वेलरी भी बहुत अच्छी लगी और ग्रीन कलर का दुपट्टा भी ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद जो आपको दिखाने वाली गाउन भी बहुत ज्यादा सुंदर है, और ये मैंने पहले भी देखी थी, तो उस टाइम इसके प्राइस ज्यादा थे, बट अभी आपको बहुत कम प्राइस में मिलने वाली है। आई थिंक ये 1000 या अंडर 1000 है, या 1020 50 कुछ ऐसे ही है, ठीक है। जैसी पिक में दिख रही है ना, उससे भी अच्छी लगी है मुझे आफ्टर वेयरिंग। इसका पैटर्न, इसका लुक, इसका कलर, ओ माय गॉड, इसका कलर भी बहुत ज्यादा सुंदर है। आप देख सकते हैं इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आपको मिलने वाला है। बाकी ट्रांट पर देखेंगे ना तो आपको क्लियर होगा, इस तरह से आप देखेंगे वीनेक आपको दे रहे हैं। एंड यहाँ पर प्रॉपर आपको सिक्वेंस वर्क मिल जाता है, जो कि बहुत ही रिच क्वालिटी का है, वेलवेट फैब्रिक है, और अंदर आप देखेंगे बहुत ही गुड क्वालिटी के आपको एक कप मिल जाते हैं। सी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सी, इसका पैटर्न आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है, ये शोल्डर आएंगे यहाँ पर इस तरह से। देन ये फैब्रिक की बात करूं तो गुड क्वालिटी का सैटन फैब्रिक है, एंड इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा। डेफिनेटली आपको ये कट करानी पड़ेगी, बिकॉज मैंने आपको बताया ना मेरी हाइट 5 है, वो 3 इंच की पर मैंने इसको कैरी किया, उसके बाद भी ना मतलब इतनी ज्यादा नीचे थी। तो अगर आपकी शॉर्ट हाइट है तो भी आपको कट करानी पड़ेगी, और अगर आपकी हाइट 5'9" 10 तक है ना,
तो मे बी आपको फिट आ जाए। इसका फ्लेयर, इसका पैटर्न बहुत ज्यादा क्लासी, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका पैटर्न आपको मिल जाता है। यहाँ पर गैदरिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर ये पल्लू काइंड ऑफ ये पैटर्न इन्होंने यूज किया गया है फ्रंट में भी और बैक में भी। और आप देखेंगे कि इसका फ्लेयर भी काफी अच्छा है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका फ्लेयर आपको कितना इस तरह से मिल जाता है सी। और इसके अंदर ना आपको लाइनिंग भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाइनिंग नहीं मिल रही है, आपको लाइनिंग भी मिल जाती है। बहुत ही सॉफ्ट सा क्रेप फैब्रिक है जिसकी लाइनिंग दे रहे हैं। फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंड करूंगी। बाकी ट्रेंड पर आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि आफ्टर वेयरिंग की कितनी क्लासी लग रही थी। इसके बाद जो कुर्ता सेट आपको दिखाने वाली हूँ ट्रायन में, आप देखेंगे ये कुर्ता सेट भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आपको हमेशा ही बोलती हूँ कि कैमरे पे चीजें हमेशा ही अच्छी लगती हैं, बट आपको बताना जरूरी होता है कि एक्चुअल में वो कैसी है, आपको लेनी है या नहीं लेनी है। बात करें इस कुर्ता सेट की, जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रायन पार्ट की ये कुर्ता सेट आफ्टर वेयरिंग कितना सुंदर लग रहा है, बिकॉज इसका कलर, इसका पैटर्न बहुत ज्यादा अच्छा है। बट अगर बात करें हम इसके वर्क की, इसकी क्वालिटी की, तो आपको दिखा देती हूँ, आप खुद बताइए कि ये कुर्ता सेट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं तो बताऊंगी। सबसे पहले आप इसका वर्क देखिए, आई होप आप देख पा रहे होंगे इसमें जो तो धागे निकल रहे हैं कहीं कहीं से, देखिए यहाँ से एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये धागे किस तरह से निकले हुए हैं। ठीक है, वर्क में बिल्कुल भी फिनिशिंग नाम की चीज नहीं है। ठीक है, फैब्रिक की बात करूं तो जॉर्जेट इसका फैब्रिक है जिसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको ये इस तरह से आपको स्ट्रिंग मिल जाते हैं विदाउट एनी टैसल्स या कुछ भी यहाँ पर नहीं है। एंड इसके साथ में आपको ये सरारा दे रहे हैं, सब सेम वर्क सेम पैटर्न आपको मिल जाता है, कुछ भी ऐसा दिखाने वाला नहीं है। एंड इसमें भी ना आपको लाइनिंग दी गई है और ये देखिए अंदर से इस पे आपको इंटरलॉकिंग भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, आपको इंटरलॉकिंग भी नहीं दे रहा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड इसके साथ में जो दुपट्टा दे रहे हैं, दुपट्टे की लेंथ वर्थ अच्छी है लेकिन इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। प्रॉपर एम्ब्रॉयडरी दे रहे हैं, लेंथ वर्थ काफी अच्छी है, बट दुपट्टा और ये सूट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसकी मतलब रेटिंग भी इतनी अच्छी थी 4.1, मतलब बहुत अच्छी उसमें आ जाता है, मतलब कोई भी ले सकता है। एंड इसके रिव्यूज भी अच्छे थे, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज इसके वर्क में भी फिनिशिंग नहीं है और इसका जो भी मतलब पैटर्न है फैब्रिक है वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और आप जानते हैं मैं कभी भी गलत चीज आपको रेकमेंड नहीं कर सकती, वीडियो स्पॉन्सर्ड है या नॉन स्पॉन्सर्ड है डजंट मैटर, मेरे लिए मैटर करती है ऑनेस्टी, बिकॉज आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको हमेशा ऑनेस्टी भी मिलते हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो लहंगा है इसकी रिक्वेस्ट आप में से किसी ने की थी, इफ यू रिमेम्बर इससे पहले भी मैंने सेम ऐसे ही लहंगा आपके साथ शेयर किया था, उसका कलर चेंज था, बहुत ज्यादा सुंदर था वो लहंगा भी एंड ये वाला लहंगा भी, मतलब इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से सुपर से ऊपर डील है। बिकॉज इस तरह के जो सिंपल सोवर यू नो सोफियाना कलर होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यू नो बहुत ज्यादा रिच एंड क्लासी लगते हैं आप उनको वेयर करने के बाद। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका फ्लेयर भी काफी अच्छा आपको मिल जाता है और उसकी लेंथ भी काफी अच्छी है। एंड इसके अंदर ना आपको यहाँ पर कैनवास भी दे रहे हैं, प्लस आपको नीचे यहाँ पर कैन भी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक कैनवास की लेयर मिल जाती है, देन अगेन मिल जाती है दो, इसके बाद अंदर आपको यहाँ पर कैनकन दे रहे हैं। कैनकन पूरे उसमें नहीं है, आपको बता दूं यहाँ तक दे रहे हैं क्योंकि यहीं से जो फ्लेयर होता है वो थोड़ा सा आपको यू नो शो होता है। एंड अंदर आपको ये सेटन की लाइनिंग मिल जाती है, तो इस तरह से आपको ये लहंगा मिल जाता है। एम्ब्रॉयडरी बहुत फाइन तरीके से, देखिए इसको बोलते हैं फाइन वर्क, मतलब कहीं पे भी आप देख सकते हैं एक भी धागा या कुछ आपको निकला हुआ नहीं मिलेगा, कहीं भी देख लो आप, मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे। एंड इसकी वेस्ट की बात करूं तो इजीली ये 36 तक आने वाला है, हाईली रिकमेंड किया था मैंने इसको पहले भी और अगेन करूंगी, और उसी कुर्ता सेट के ऊपर मैंने इसको पहन के दिखा दिया, बिकॉज आपको कैडी भी लगेगा कि इसको आप यू नो रेड कलर की ब्लाउज के साथ में और ब्लैक कलर की ब्लाउज के साथ में स्टाइल करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज इससे पहले जो मैंने लहंगा दिखाया था ना उसको मैंने ब्लैक कलर के साथ में स्टाइल किया था और बहुत सुंदर लग रहा था, या फिर इसी का सेम ब्लाउज स्टेच करा सकते हैं। अच्छा खासा फैब्रिक आपको दे रहा है, मतलब क्वालिटी आप देखिए, वर्क में फिनिशिंग आप देखिए, ओह माय गॉड कितना सुंदर सा फैब्रिक आपको मिल जाता है। ये 80 सेंटीमीटर का कपड़ा आपको मिल रहा है एंड फ्रंट से एंड बैक से फुली एम्ब्रॉयडर्ड है एंड इसके अंदर आपको लाइनिंग भी दे रहे हैं, सेटन की लाइनिंग दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ही गुड क्वालिटी की लाइनिंग आपको मिल जाती है, नेट का दुपट्टा आपको दे रहे हैं बिकॉज ये लहंगा ही नेट का है, नेट पे ये वर्क आपको मिल जाता है। तो दुपट्टे की लेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है सी, आप देख सकते हैं, दिस वन हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। एंड उसी तरह से मैंने आपके साथ ही येलो कुर्ता सेट शेयर किया था, लाइक ये कुर्ती भी दुपट्टा है और इसका फैब्रिक भी अच्छा था और इसका कलर भी अच्छा था, बट फिर भी मैंने इसको रेकमेंड नहीं किया था। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मिल जाती है सी वी पैटर्न, इसका नेक मिल जाता है, यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी दे रहे हैं ओवरऑल कुर्ती पे जो कि बहुत फाइन वर्क है एंड इसका कपड़ा भी अच्छा है, बट
आफ्टर वेयरिंग इसका लुक वो नहीं आया जैसे कि पिक में शो हो रहा था। इसके साथ में आपको दुपट्टा भी मिल जाता है। ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज मैं आपको बताना चाहती हूँ कभी भी आपको भी ऐसा प्रोडक्ट मिलता है आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको इजिली रिटर्न कर सकते हैं विद इन 7 डेज। ठीक है, तो मुझे भी जो प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते मैं उनको रिटर्न ही कर देती हूँ। तो इस तरह का आपको भी कोई प्रोडक्ट मिलता है या उसकी फिटिंग आपको अच्छी नहीं लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि क्वालिटी चीप है तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था मेरा हमेशा का ऑनेस्ट रिव्यू। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, लव यू ऑल।